आएगे मैया देखी तो गनमा हो कहो रोशन रैया के पंप मारते हैं तब तोरा मैया गड़िया में लाठी कर देगा इतना याद रख। तब तोरा मैया गड़िया में लाठी कर देगा इतना याद रख। तब तोरा मैया गड़िया में लाठी कर देगा इतना याद रख। तुम बड़का गुंजन सिंह से गायक है की रे? टुनटुन यादव से तुम बड़का गायक है क्या? तुम क्या हो? अभी तो उछल के छुटक सुन खड़े हुए, पिंपल भी नहीं फूटा है मुंह से, और जिस तरह का तुम कर रहे हो ये सब खेला तेला, ये होने नहीं देंगे हम, बता दें। उसी समय समीर चौधरी हाजत में उसको ऐसे ढकेलेगा, भाग यहाँ से, जेल में जो, जेल में घुस, इसको जेल में ढकेल के घुसाएंगे। क्योंकि तुम क्या बना रहे हो, चुतिया बना रहा है क्या? ये पूरा बिहार के जनता के तू बुर्बक बना रहा है। सुनिए क्या हुआ कि ई और किरण मिल के दोनों ये लोग प्री प्लानिंग काम किया है कि हम दोनों का जोड़ी बरकरार रहेगा, जोड़ी दिखेगा, ठीक है। ये लोग महिला थाना में जाके वहाँ पे हगा हगी करता है और उसके बाद जाके यहाँ वकील साहब के साथ गूँ साफ करे के काम करता है, मिठाई खा रहा है, गूँ खा रहा है, का खा रहा है हम नहीं जान रहे, देख रहे थे खाली हम। ये लोग का खेला तेला वहाँ चल रहा था, का खेला है भैया? अरे बाप रे बाप, ये तो सोशल मीडिया पर ये दोनों आके और तमाम जनता के, तमाम पत्रकार के बुर्बक बना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्र, आप लोग देख रहे हैं राइज़ अप बिहार। भोजपुरी इंडस्ट्री विवादों का मतलब इंडस्ट्री हो गया है, शहर कह सकते हैं, जहां देखिए वहां विवाद, कहीं रोशन रोहित तो कहीं वीना मानवी तो कहीं पवन सिंह कहीं ज्योति सिंह, इस सब विवाद पे थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। और चर्चों में ही चर्चा रहने वाले एक्टर समीर चौधरी, जो कि भाई आज यहां से थे और आज हर लोग हर जनता के दिल पे समीर चौधरी, कोई भी तकलीफ होता है तो समीर चौधरी। कैसे हैं? सबसे पहले तमाम दर्शक के नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भाई आया है और भाई जब भी समीर चौधरी बात करता है डंके की चोट पे को हवा मारे वाली बात नहीं। ये जो अभी रोशन रोही वाला जो मामला आ रहा था, आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, एक्टर समीर चौधरी के पेज पे, यही वो लड़की है जिसका नाम खुशबू है, ठीक है। अब हम एक ऑडियो सुना रहे हैं आप लोगों को, जरा इस पे भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पे देखिए कि एक बार ऑडियो सुन लीजिए। हाँ समीर जी बोल रहा हूँ। अरे छोड़ो ना, क्या बोलते हैं, जनता बोल रहे हैं। अच्छा क्या बात है, रोशन रोहित का जो मामला चल रहा है आपको क्या लग रहा है? इसमें असलियत में मतलब कि क्या है, आपको क्या लग रहा है? असलियत में क्या मतलब भाई, प्यार वाला कहानी का असलियत है, कुछ प्यार वाला नहीं है भाई, कुछ प्यार वाला नहीं है, ये लोग का बस ड्रामा बाजी है खाली। अगर प्यार है सच्चा तो ये लोग को बोल के दिखा दे, अगर कोर्ट मैरिज करके दिखाए तो हम नहीं बोल रहे हैं, एकरा साथ रहे वाला आदमी बोल रहा है, रोशन रोही के साथ रहता है, नाम तो नहीं बताया, नंबर हम फ्लैश कर दिए हैं, एकदम सार्वजनिक नंबर लगा दिए हैं, और उसके बाद जब हमको भरोसा नहीं हुआ तो आर्यन डीडी के वो कोरियोग्राफर हैं, डायरेक्टर भी हैं वो, तो खुशबू को लॉन्च वही किए थे, ठीक है ना, तो हम उनसे भी बात किए तो उन्होंने भी कहा कि समीर जी ये पैसा का खेला तेला हो गया। लेकिन समीर चौधरी है भैया, हुल पाँच कर में टिटीमा कर में हमारा बिजनेस तो छोड़बो ना, बता दे रोशन रोहिया क्या कीजिएगा रोशन, क्योंकि शादी करवाएंगे। हाँ। तू जो हौले में लिया है ना, जो ऐसे बलवा रख ले लिए, चार दाना रंगवा ले लिए, हमारे पूरा बाल रंगल है, थोड़ा से ज्यादा ही हम स्मार्ट में बता दे। हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि रोशन रोही का आप जब गाना सुनिएगा तो पियावा पंप मारेला, मैया बाबू जंप मारेला, ये कौन गाना बनाता भैया, समाज को तो तुम दूषित कर रहे हो। कल एक गाना इनका सुन रहे थे जो कि इंस्टाग्राम पे रील्स बनाए थे, उसमें लड़की को छिनार छिनार बार बार बोला जा रहा था, तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री का यही अस्तित्व है कि मनोज तिवारी, पवन सिंह होगा, ये लोग सब लोग होगा, बहिष्कार कीजिए ऐसे लोगों का, इन लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं, बहिष्कार कीजिए। और अब खुलासा सुनिए क्या हुआ कि ई और किरण मिल के दोनों ये लोग प्री प्लानिंग काम किया है कि हम दोनों का जोड़ी बरकरार रहेगा, जोड़ी दिखेगा, ठीक है। ये लोग महिला थाना में जाके वहाँ पे हगा हगी करता है और उसके बाद जाके यहाँ वकील साहब के साथ गूँ साफ करे के काम करता है, मिठाई खा रहा है, गूँ खा रहा है, का खा रहा है हम नहीं जान रहे, देख रहे थे खाली हम। ये लोग का खेला तेला वहाँ चल रहा था, का खेला है भैया? अरे बाप रे बाप, ये तो सोशल मीडिया पर ये दोनों आके और तमाम जनता के, तमाम पत्रकार के बुर्बक बना दिया। हाँ, कि भैया हमरा तो भगाया है, हम तो ब्याह करेंगे, ये करेंगे। हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि जब ब्याह करना था तो पैचअप काय हो गया। और रोशन रोही का कह रहा है कि ठीक है कुछ दिन पहले देखेंगे सोचेंगे, मैंने देख लीजिए कि अभी ये मामला को ठंडा किया, फिर 6 महीना के बाद एगो गाना बनाएगा, फिर ट्रेंडिंग के बरकरार में रहने के लिए हक देगा रोड पे आके और फिर खा लेगा जाके। हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई रोशन ये तमाशा क्या बना रखे हो, तुम्हारा कोनो गाना समाज के हित का गाना नहीं है, समाज में मैसेजिंग गाना नहीं है, कहीं ना कहीं ये हर गाना इसका सुनिएगा तदम छेछा लेदर गंदा गंदा गाना है। हमारा रोशन रोही से जमीनी विवाद नहीं है, इनकर बाबूजी पैसा नहीं लिया हमारा, लेकिन समाज को भरमाने की कोशिश करोगे, याद रखोगे कि हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ये भी बता दे रहे हैं। अच्छा, एक तरफ जिसको आप खुशबू कह रहे हैं, जिसका नाम किरण सिंह जग जाहिर है, लोग नया में उसको जान गए किरण सिंह से,
ये पहले कहती थी कि रोशन रोही मेरा बच्चा गिरा दिया है, और रोशन रोही के साथ हम जीवन में कभी नहीं रहेंगे, चाहे जो हो जाए हम मतलब रोशन रोही के साथ हम एनी हाउ होगा केस करेंगे। और उसमें एक और देखिए, वीना मानवी को लेकर चल गई रोशन रोही के घर पे, जो कि जाना कानूनी तौर पे सही नहीं था। सही नहीं है, लेकिन ये चीज़ बताइए कि कहां तक सही है कि एक तरफ खुद विवाद करते हैं और एक तरफ रोशन रोही बोलता है चाहे जो हो जाए नहीं रखेंगे। आज फिर से वही हाल हो रहा है। बस इसमें तो हम इतने कहेंगे तमाम पत्रकार भाई लोग, क्योंकि जो जो इसका न्यूज़ चलाए थे ना, आप लोग सब आइएगा 25 तारीख को महिला थाना के पास, तमाम लोगों को हम बता दे रहे सब आइएगा। ये दोनों ढोंग न धर रहा था कि हम नकली प्यार ही इन दोनों को सही में ब्याह करा देंगे हम लोग, वहाँ पे बॉन्ड साइन होगा, वहाँ पे कोर्ट मैरिज के पूरा अथी करेगा, अगर नहीं होगा तो रोशन रोही अखनी जेल जाएगा। बिल्कुल, उसी समय समीर चौधरी हाजत में उसको ऐसे ढकेलेगा, भाग यहाँ से, जेल में जो जेल में घुस, इसको जेल में ढकेल के घुसाएंगे। क्योंकि तुम क्या बना रहे हो, चुतिया बना रहा है क्या? ये पूरा बिहार के जनता के तू बुर्बक बना भाई, एगो पत्रकार कोई बनेल की है बुर्बक, समझ ली ना, मनीष कश्यप के नाम पे देख ले ना, मुहवा फाड़ दिए थे ओकरा, वो खनिया मार दिए थे, हम हौले में भी नहीं लिए थे। तो रोशन रोही अगर समाज को भरमाने की काम कर रही है, अगर किरण समाज को भरमाने का काम कर रही है, तो हम तमाम लोगों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइए कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत, इन लोगों को शादी करवाना चाहिए कि नहीं, आप लोग ही बोलिए, इन लोगों को शादी हो जाना चाहिए कोर्ट के माध्यम से, ताकि ओकर बाद 6 महीना के बाद आओ चाहे 9 महीना के बाद आओ, आके हक में तो घर के मैटर हो, पति पत्नी की लड़ाई है समाज में, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये सब मैटर जिसे बहुत जल्दी फनक जाता है, काहे लाई लोग फन फाता है मैटर, आपको कुछ समझ में आता है? वायरल ये लोग का हुआ ना कि मालती और गोरखपुरिया भेलपुरिया भौजी नहीं है, उन लोग वाला ये लोग दिमाग देख लिया कि अच्छा हमू अपन भतार के भेज देंगे नेपाल, कहेंगे हमर दूल्हा मर गया, हमर दूल्हा भाग गया, ये सब दिमाग वहां से चलाया। लेकिन ये देखा नहीं कि गोरखपुर नहीं बिहार हो, बिहार के पटना हो, हाँ मगध के नाम बेचते हो कि हम मगहिया ही है, मगहिया घंटा है, तो बड़का गुंजन से गायक है की रे, टुनटुन यादव से तुम बड़का गायक है क्या, तुम क्या हो अभी तो उछल के छुटुक सुन खड़े हुए, पिंपल भी नहीं फूटा है मुंह से, और जिस तरह का तुम कर रहे हो ये सब खेला तेला, ये होने नहीं देंगे, हम बता दे रहे हैं। या तो हमारे बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा जाके, आपका भी आदमी फोन किया था शुरू दिन कि तनी रोशन रोही के सपोर्ट में भैया थोड़ा खड़ा हो जाइएगा, हम बोले पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, ये है क्या क्या करता है, जब गाना ताना सुने कि रात में पियावा पंप मारेला, मैया बाबू जंप मारेला, हाय रे बप्पा, ये कौन गाना बनाता है भाई? और जो जो कहते हो कि हम रोशन रोही के जिगरा फाइन है, हम पैंट खोल के दे देंगे तो रोशन रोही नहीं मारेगा, बता देना अपन मैया बाबू को गाना जरूर सुना देना कि पंप मारता है कि जंप मारता है, हाँ मैया बाबू से जरूर दिखाना कि आएंगे मैया देखी तो ये गनमा हो, कहो रोशन रोहिया के पंप मारते हैं, तब तोरा मैया गणिया में लाठी कर देगा, इतना याद रखना। जाने जी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, बुरा लग रहा है भाई, हमारे हमारे समाज के तमाम पत्रकार को बुर्बक बना रही है, टिटिमा कर रहा है कि हर लड़की को आप गाने में छीनड़ो करें, छीनार का मतलब क्या होता है? दम गलत वर्ड है, दम समझिए कि जस्ट लाइक समझा कि कॉल गर्ल बोल रहे हो तुम, मुँह से बोलेंगे गंदा वर्ड है, लेकिन किसी महिला को भी महिले के पेट से पैदा हुई तो ऐसा नासपीटा आदमी है ना कि अपन माए बाप का इज्जत बेच दिया है, वहाँ जाकर पथराव हुआ, ईंटा चला बिना मानवी जी के गाड़ी पे या उनके घर पे जो भी हुआ, इससे तो समाज में ही ना दूषित हो गया। अपने आपको सोच रहा हो कि देखो हम बड़का कलाकार बन गए, लड़की अब हमारा मर रहा है, लड़की नहीं मर रही है, ऐसे ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए, नहीं तो ऐसे ऐसे लोग फुटुक के आएंगे और आपके घर के माँ बहन को इसी तरह से फंसाएंगे और खूब यूज करेंगे, यूज करला के बाद फेंक देंगे नाला में, जैसे देख लीजिए ये सब होने नहीं देंगे, भरमाने काम करोगे भैया हम बता दे रहे हैं 25 तारीख को तुम लोगों को धर पकड़ के ब्याह कराया जाएगा, इतना याद रखना। अब डरे नहीं आओगे ना तो तुरा घर पे छापामारी करवाएंगे, यू याद रखिए, कुर्की जपत करावे के लिए पावर रखता है समीर चौधरी, तुम जहाँ बैठ के 50,000 या 1,00,000 रुपया जो देख के तुम सोच रहे हो कि हम बहुत बड़का अब जज साहब बन गए हैं, जज साहब के पास चल गए हैं, कुछ नहीं होने वाला, जब दिल्ली से जब दबाएंगे ना प्रेशर यहाँ से, हौले में न लिए हमारा बात बार बड़ी कहियो कि एगो मिलियनर है लेवल, हाँ अपने आपके कही तो लोग हम बड़का मिलियनर है, 7 मिलियन 8 मिलियन गेलो तो देख लें निकल के कहाँ पहुँच गए, याद रखिए भैया हमरा से कम न डरवे तो डर आ जुबान काला हाथ गोड़ टेढ़ा हो, हम भैया अवतारित आदमी हो, पैदा न हो लुखे हम अवतारित हैं, जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं, हम गलत नहीं बोलते मेरा।